कंसीडर टू बॉडीज, वही बात है ए एंड बी, आप मैसेज M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। वही जुमला जो पहले मैं कह रहा था, लेट द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, सिंस द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, रस्सी में तनाव की गुंजाइश ही नहीं है ना। So therefore the body B also moves over the horizontal surface with the same acceleration A. As a pulley is frictionless and the tension T will be same throughout the वही बात है, थोड़ा सा चेंज कि बॉडी ए डाउनवर्ड मूव करेगी तो बॉडी बी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे उसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी क्योंकि रस्सी इन एक्सटेंसिबल है। प्रॉब्लम अब लो जी, नेट फोर्स आ गए, वही बात, सिंस बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड देयरफॉर इट्स वेट इज ग्रेटर देन द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। पहले ही कैसे मतलब यहां तक होगा सही है, तो पहले वाली बात कर रहे हैं, नेट फोर्स किसके ऊपर आ जाएगी, M1g - T इज इक्वल टू नेट फोर्स, ऐसा ही है जी। और फिर हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लिया, नेट फोर्स तो एम ए के बराबर होती है, तो जहां पे नेट फोर्स लिखा हुआ उसकी जगह पे M1a लिखा, तो ये साइड मैंने बाद में लिख दी, ये साइड मैंने पहले लिख दी, सुन रहे हो जी। अब दूसरी चीज शुरू हुई है, ये केस डिफरेंट है, और मजे की बात पहले में दोनों सेम ही है अप्रोक्सीमेटली, और एक ही मोशन अपवर्ड थी की डाउनवर्ड थी, फिर हमने कहा सर द बॉडी बी इज मूविंग अपवर्ड, ठीक है, सो देन सो इट्स वेट इज लेस देन द टेंशन, सिर्फ लेस लगाया था वहां पे, और नेट फोर्स ऑन द बी लिख के हमने -M2g + T कर दिए थे, याद है, और फिर हमने दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लिया, फिर एक ही वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी दोनों इक्वेशन, याद आया। अब यहाँ पे क्या कहना है कि द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी आर, पहला क्या उसका बोलते क्यों नहीं हो, हाँ पहला वेट है और दूसरा ये लिखना है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी आर वेट M2g आर बॉडी बी एक्टिंग डाउनवर्ड, नजर आ रहा है आपको। अब ये टेबल की चार टांगे पेपर में बनाने की जरूरत नहीं, सादा सा टेबल भी बन सकता जैसे मैंने बनाया, ठीक है, पर लगे हुए ये पिक्चर खास तौर पर लड़कियों का लगी हुई है, पिक्चर पिक्चर बुक जैसी बना के छोड़नी, तो आगे क्या रिएक्शन आर ऑफ द ओरिजेंटल सर्विस एक्टिंग ऑन बॉडी बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, आप ये क्या कहते हैं रिएक्शन आर ऑफ द टेबल, रिएक्शन आर ऑफ द ऑन द बॉडी बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, या इन द रिएक्शन ऑफ द टेबल इन द अपवर्ड डायरेक्शन भी, सादा अल्फाज में अगर ज्यादा लिखना नहीं चाहते तो इतना तो लिख सकते हो ना। और तीसरा बेटा टेंशन टेंशन टी इन द स्ट्रिंग पुलिंग द बॉडी बी हॉरिजॉन्टली ओवर द स्मूथ सरफेस, आप इतना भी कह सकते हैं टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, ठीक है, बस शक्ल में नजर आ रही है ना टेंशन कि वो इधर को खींच रही है, ये इधर को टेंशन खींच रही है, अगर आपने लिखना पुलिंग द बॉडी बी ओवर द ओरिजेंटल स्मूथ सरफेस तो इट्स ओके। अब बेटा असल बात यहां पे खत्म होगी, एज बॉडी बी हैज नो वर्टिकल मोशन, इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन क्या हो गया जीरो, इसने इसको कैंसिल कर दिया, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो गई, आर ने W2 को जीरो कर दिया, ठीक है, एज द बॉडी बी हैज नो वर्टिकल मोशन हैज द रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स M2g एंड आर मस्ट बी जीरो, ठीक है, मस्ट बी जीरो नहीं, इनका रिजल्टेंट रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स मस्ट बी जीरो, नॉट फोर्सेस, इनका सम जीरो हो जाना चाहिए, इनको ऐड करें तो आंसर कितना आना चाहिए, ये ऐड करेंगे तो आंसर जीरो होना चाहिए, थस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी मस्ट बी टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लॉ, टी किसके बराबर आ जाएगा M2a, फोर्स टी है तो M2a के बराबर आ जाएगा, बात समझ आई है।
तो इसको हमने इक्वेशन नंबर वन करा, तो फिर इसको क्या कहेंगे? लो जी भैया, ये बन गई इक्वेशन नंबर टू, मतलब इसको नहीं है। अब आगे, सो एडिंग द इक्वेशंस वी हैव ए एंड डी, बट हाउ वी विल हैव दिस, इस पे बात करते हैं डिटेल में। मुझे जनाब जरा आप पहली इक्वेशन लिखवा दें, क्या आई थी पहली इक्वेशन? ये तो पहली में भी था, क्या थी? बोलते नहीं हो, और इसके इसमें टू ठीक इसके बराबर आ गए। इज इक्वल टू, अच्छा बेटा बड़ी मजे की चीज है, इसमें जी वाला फैक्टर ही नहीं है, तो आप या तो डायरेक्ट इसको ऐड करें, टी से डी कट जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी, नहीं बात समझने में, या इस इक्वेशन में टी की जगह पे हम टू ए पुट करो, यही करना है ना, और क्या करना, टी की जगह पे मैं कहूंगा पुट टी इज इक्वल टू एम टू ए इन इक्वेशन नंबर वन, नहीं समझे मेरी बात? दो तरीके सुन रहे हो, एक ये बाय इक्वेशन नंबर वन प्लस क्या आ जाएगा, एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू, प्लस टी है ना, इज इक्वल टू, तो हमने ऐड ही करना था, ये कट गया इससे, सो एम वन जी इज इक्वल टू एम वन प्लस, इधर भी है, क्लियर? दोनों से ए कॉमन ले, हमें यही फाइंड करना, ए हमने ले लिया कॉमन और इधर आ गया एम वन जी, अब ये नीचे आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, एम वन जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस बराबर आ जाएगा एक है? मैं इधर बराबर ए डालू तो यहाँ ए बराबर क्यों नहीं डालू, ए आ गया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप ए निकालने के लिए ये कर सकते थे, कहते पुट दूसरी इक्वेशन में टी किसके बराबर, एम टू ए के इन इक्वेशन नंबर वन, तो इक्वेशन नंबर वन क्योंकि हमें पता है एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन, सॉरी एम वन, तो मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, तो एम वन जी ये वन है ना, माइनस एम टू ए आ जाएगा टी की जगह पे, है इज इक्वल टू एम वन ए, बेटा इसको उधर ले जाओ, ये माइनस वन जाके प्लस हो जाएगा एम वन, क्योंकि इसके साथ भी ए है उसके साथ भी ए, इसलिए इकट्ठा कर रहा हूँ, एम वन ए प्लस, दोनों से ए कॉमन ले लिए, इसके बाद यही स्टेप ये हमने याद हो गया, सेम स्टेप है ना, सो इसको यहां जाकर डिवाइड कर दो बस, तो ये चीज आ जाएगी। अब जब ए आ गया तो ए को उठाओ, टी की वैल्यू निकालनी है, मैं आपसे कहूंगा सेकंड इक्वेशन में पुट करना, डायरेक्ट टी आ जाए, ए की वैल्यू जाके किस में पुट करो, कोई और काम करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट टी की वैल्यू आ जाए, सुन रहे हो? तो क्या कहना आपने, पुट ए इक्वल टू क्या, एम इक्वेशन नंबर टू क्या है, ऐसा ही है, तो टी एज इट इज एम टू ए की वैल्यू डालनी है हमने, वो क्या है एम वन, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा एम वन एम टू जी, ये डी आ गया, आसान था, और कोई और काम नहीं करना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन में पुट करने से। अब मैं कुछ बातें आपको यहां समझाना चाहता हूं, अच्छा भाई ये बताओ, ये जो सेकंड केस में हमने एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं, ये बताओ कि वर्टिकली कौन सी बॉडी मूव कर रही है, ए या बी?
एक्सेलरेशन किस बॉडी की वजह से आ रहा है? अगर बॉडी ए ना गिरती तो क्या बी मूव करती? तो ये एक्सेलरेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? ए। तो इसलिए आपके एक्सेलरेशन में सिर्फ आप ही एम वन जी है, एम टू आई ही रहा। और अगर एम वन जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ आ रही जी? नहीं आ रही मुझे? क्लियर हुआ जी? उसके बाद देखे पीछे वाले केस में जो टेंशन का फॉर्मूला था ये था ना। अच्छा वर्टिकल केस के लिए जो एक्सेलरेशन आया था वो क्या आया था? ए इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू ब्रैकेट में जी डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला था। अब इन फॉर्मूलों को दिमाग में रखना। देखो वर्टिकल केस के लिए एक्सेलरेशन ये था और टेंशन ये थी, मैं दोनों इकट्ठे लिख दू, याद रखोगे? वर्टिकल केस के लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो एम वन माइनस मल्टीप्लाई जी और टेंशन किसके बराबर? टू टाइम्स एम वन दोनों रस्सियां दोनों मैसेज रस्सी को खींच रहे थे, टू ज्यादा है। लेकिन हॉरिजॉन्टल केस में, इस केस में जब एक बॉडी यहां पड़ी हुई है और दूसरी नीचे फॉल कर रही है तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ एम वन जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू के बराबर और टेंशन किसके बराबर है? एम वन एम टू जी डिवाइडेड बाय। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल क्योंकि एक मैस है, इट इज एम टू इट इज एम वन, तो टू साथ नहीं आया, चेक कर लो। अच्छा एक और बताए कि बात बताऊ बहुत सुनना। अगर इस केस में इसकी बात कर, अगर एम वन सुन रहे जीरो हो जाए क्या हो जाए? बहुत सुनना, बड़ी मजेदार बात करने लगे। अगर एम वन क्या हो जाए? जीरो हो जाए तो क्या होगा? देखे एम वन की जगह पे जीरो आ गया, एम टू वैसे ही आ गया, साथ जी आ गया, नीचे एम वन की जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस एम टू। एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा? जीरो माइनस एम टू आ जाएगा, साथ जी आ जाएगा, नीचे भी एम टू, एम टू से एम टू माइनस जी। तो ये जो आपका मैथ ये होगा ये जी की वैल्यू से गिरेगा, उसे रोकने वाला ही कोई नहीं ना पीछे। कुछ समझ आई मेरी बात? तो ये केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं आपकी फ्री फॉल मोशन के साथ कि आपने कोई फॉर्मूले हमें नहीं प्रूव कर दिए। और अगर जनाब सुन रहे हो क्यों तो एम टू कहां पे? मैंने एम वन को, मैंने इसको जीरो किया, मैंने कहा कि ये ना होता अगर ये तो ये बॉडी तो ऊपर को मूव कर रही है तो इसलिए नेगेटिव जी आएगा ना भाई। और अगर मैं एम टू को जीरो कर दूं तो उसको तो फिर देखते हैं क्या होता। अगर मैं एम टू को जीरो करता हूं तो ये भी जीरो ये भी जीरो, एम वन डिवाइडेड बाय एम वन कट जाएगा तो एक किसके बराबर आ जाएगा? और ये नीचे बिल्कुल डाउनवर्ड मूव कर रहा है, पॉजिटिव जी की वैल्यू होगी। सुन रहे हो? तो ये बड़ी मजे की चीज है, थोड़ा सा ऐसे सिंबल्स के साथ खेला करो कि फॉर्मूले को समझो ये क्या कह रहा है। समझ आया नहीं आया? और अगर बेटा बात और से सुनना, अगर मैं एम वन को जीरो करता हूं तो टेंशन क्या हो जाएगी? जीरो। एम टू को जीरो करता हूं तो फिर भी टेंशन क्या हो जाएगी? जीरो। रस्सी में टेंशन तब होगी जब दोनों सिरों से खींची जाएगी। अगर दूसरे सिरे से ना खींची जाए तो रस्सी में कोई टेंशन नहीं होगी। समझ आया? नहीं। एक और बात बताऊं? बता दू? पता नहीं, नहीं आपने पता नहीं कर, चलो रहने दे। अब गौर से सुनिएगा फिर मेरी बात को। सुन रहे हो? फिर देखो एक बंदा यहां पे खड़ा होकर रस्सी के ऊपर 5 न्यूटन की स्ट्रेंथ में फोर्स लगा रहा, दूसरा बंदा यहां खड़ा होके 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा,
किससे, बताओ रस्सी में कितनी टेंशन होगी। मैंने गिज्जी पे लगा देनी है अभी, मैं पुली पे बात समझा रहा था, फौरन समझ गए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की है बेटा, अगर मैं M1 टेंशन क्या थी इसमें, G is equal to 2 times M1 M2 G। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा बेटा अगर M1 को जीरो कर दो, इसको इधर जीरो पुट करो टेंशन क्या हो जाएगी, दूसरे सिरे पे फोर्स ही नहीं लग रही, टेंशन जीरो। मैं M2 को जीरो कर दे तो फिर भी टेंशन क्यों हो जाएगी, जीरो। अब मुझे ये बताएं, ये 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और ये कितने की, तो अगर दो बंदे रस्सी खींच रहे हो तो 5 न्यूटन का बंदा इसको खींच लेगा या नहीं खींचेगा, समझ आ गया। अब बताओ ये रस्सी किधर को मूव करेगी, इस सिमत में बताओ नेट फोर्स किसके बराबर होगी, रस्सी पे जो नेट फोर्स लगेगी वो बताओ, 5 पॉजिटिव होगी और 2 नेगेटिव होगी, आंसर कितना आ जाएगा, ये बेटा नेट फोर्स है। कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है जो रस्सी में एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, टेंशन पैदा नहीं कर रही, नहीं सर, ये रस्सी में टेंशन नहीं, ये 3 न्यूटन वाली जो है ना, ये रस्सी में टेंशन पैदा नहीं कर रही, ये रस्सी में क्या पैदा कर रही है। और 2 न्यूटन की फोर्स किधर गई फिर, 2 न्यूटन की फोर्स जो है ना उसने रस्सी के जरिए से, आपने 2 न्यूटन की या 5 न्यूटन की लगाई थी, तो रस्सी के ऊपर जो रस्सी ने क्या किया, यहां से यहां फोर्स कितने न्यूटन की लगाई, 2 न्यूटन, इसको कर दिया न्यूट्रलाइज। अब तो यहां पे कुछ था ही नहीं, तो जो 2 न्यूटन की फोर्स है वो रस्सी के जरिए से इस फोर्स को न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल हुई है, तो रस्सी ने यहां पे कितने न्यूटन की फोर्स को न्यूट्रलाइज किया, 2। उससे ज्यादा रस्सी फोर्स लगा सकती थी यहां पे, पहले बताओ ना क्या 2 न्यूटन से ज्यादा फोर्स इस सिरे पे लगा सकती थी रस्सी, लगा ही नहीं, अगर मजामत ही कोई नहीं, तो रस्सी ने जनाब यहां से यहां तक 2 न्यूटन की फोर्स लगा के न्यूट्रलाइज किया, ज्यादा नहीं लगा, 3 न्यूटन की फोर्स अभी भी बाकी है जो रस्सी को मूव करवा रही है। तो याद रखना जब भी रस्सी में टेंशन कैलकुलेट करनी है तो ये देखना किस सिरे पे कम फोर्स लग रही है, रस्सी में टेंशन उसी के बराबर, समझ आ। तो रस्सी पे नेट फोर्स 3 न्यूटन की जो रस्सी को मूव करवा रही है। अब इधर याद करो, मैंने आयरन स्टैंड के साथ बांधा हुआ था ना बॉक्स को, तो मैंने कहा था नेट फोर्स कितनी है बॉक्स पे, 0-3, रेस्ट पे था ना भाई, तो नेट फोर्स क्या थी, 0। लेकिन थी क्या, वेट नीचे की जानब था। अब ये रेस्ट पे था तो मैंने कहा जो ऊपर को उसको पॉजिटिव ले लो, मैंने टेंशन को पॉजिटिव ले लिया, वेट को नेगेटिव ले लिया, टेंशन किसके बराबर आ गई। अगर मैं यहां पे भी 5 न्यूटन की फोर्स लगा दूं तो फिर रस्सी पे कितने की टेंशन होगी, नेट फोर्स अब रस्सी पे कितनी होगी, 0। अब एक को पॉजिटिव लोगे, इसको पॉजिटिव ले लो, दूसरे को नेगेटिव, समझ आया। तो बेटा ये ना कहना 5 × 5 = 10 न्यूटन की टेंशन होगी, ना समझ आया। ये जो छोटे सिरे पे फोर्स लगती है ना, नेट फोर्स में और टेंशन में जरा फर्क कर लेना, नहीं समझ रहे मेरी बात, मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है। टेंशन कैलकुलेट आपने यहां से ही, देखें यहां पे 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इस फोर्स को नहीं लेना आप, इस सिरे पे कितने न्यूटन की फोर्स लग रही है, इस सिंप में कितने की फोर्स लग रही है, 5 न्यूटन की, चलो
अब इस सिंप में कितने न्यूटन की फोर्स लग रही है? ये वाली फोर्स नहीं मैं कह रहा, रस्सी के थ्रू, यहां से यहां रस्सी के थ्रू कितनी फोर्स लग रही है? 5 न्यूटन। तो यहां पे बॉडी रेस्ट पे रहेगी ना, ये गिरा रेस्ट पे रहेगी ना, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? रस्सी कितनी फोर्स लगा रही है इस पॉइंट पे? 5 न्यूटन। ये फोर्स और लग रही है, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब यहां इस पॉइंट पे चेक करो तो ये 5 न्यूटन की फोर्स रस्सी पर, रस्सी नहीं लगा रही, ये कोई बंदा लगा रहा है। लेकिन रस्सी जो इधर को फोर्स लगा रही है वो कौन सी फोर्स है? अब ये वाली फोर्स जो 5 न्यूटन की है, अब वो रस्सी के थ्रू यहां पे लग रही है। मैंने आपको पहले कहा था द फोर्स एग्जर्टेड बाय स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। इस पॉइंट पे इधर को जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है? ये वाली 5 न्यूटन की फोर्स। ये वाली 5 न्यूटन की फोर्स इस पॉइंट पर रस्सी की वजह से लग रही है, ये वाली नहीं, ये तो रस्सी की वजह से नहीं लग रही। अब भी रस्सी में यहां पे कितने न्यूटन की फोर्स? 5 न्यूटन की टेंशन। यहां पे कितने न्यूटन की टेंशन? 5 न्यूटन की टेंशन। समझ आया या नहीं आया? इसलिए बेटा जी द फोर्स एग्जर्टेड बाय ए स्ट्रिंग, ये बात याद रखना। इस तरह का न्यूमेरिकल आ रहा है, रस्सी के एक सिरे पे 100 न्यूटन की फोर्स है, दूसरे सिरे पे 100 न्यूटन की फोर्स है, बताओ रस्सी में टेंशन कितनी होगी? ये रस्सी इस पॉइंट पर कितने न्यूटन की फोर्स लगी? इस पॉइंट पर कितने? अच्छा बाजी बात गौर से सुनना, इस पॉइंट पर इधर को कितनी फोर्स लग रही है? अच्छा इस पॉइंट पर इधर को कौन सी फोर्स लग रही है? ये वाली फोर्स रस्सी के थ्रू इस पॉइंट पर लग रही है, तो कितने न्यूटन की? आप कह रही है 0। नेट फोर्स 0 टोटल, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे ना, और वो इस पॉइंट पर लगेगी। यहां से फोर्स इधर को और यहां से फोर्स इधर को, यहां पे क्या हो गया? आर्बिट्री डायरेक्शन। मेरी बात समझ आ रही है? रस्सी मूव कर रही है, जब यहां पे भी 100 न्यूटन की फोर्स लगेगी, यहां पे भी 100 न्यूटन की फोर्स, रस्सी मूव करेगी तो बेटा वो फोर्स जो मोशन पैदा करेगी वो नेट फोर्स है। नेट फोर्स तो 0, एक्सेलरेशन आपने भी नहीं समझे ना, समझना नहीं बाबा, नेट फोर्स होगी 0 इस पॉइंट पे। 0 है ना, इस पॉइंट पे 0 है ना, ये नहीं। अब ये जो फोर्स है हम इसको टेंशन कहते हैं, और ये हमारी फोर्स F1 है। अब बात समझो, इस पॉइंट पर एक फोर्स रस्सी लगा रही है और दूसरी फोर्स को बंदा लगा रहा है इस पॉइंट पर, समझ आया? तो मैं जो बंदा लगा रहा हूं उसको पॉजिटिव कह देता हूं, और जो रस्सी लगा रही है उसको नेगेटिव कह देता हूं। नेट तो 0 ही है, F1 किसके बराबर आ जाएगा? इसलिए पुत्र पहले नेट फोर्स निकालना जी। इस पॉइंट टेंशन में तब 0 कहता जब इधर बाहर, गौर से सुनना, टेंशन में तब 0 कहता, गौर से सुनना, टेंशन में तब 0 कहता जब इधर से भी रस्सी फोर्स लगा रही होती और इधर से भी, फिर तो मैं कहता 0 है। बेटा क्या ये फोर्स रस्सी लगा रही है? ये तो बंदा लगा रहा है, और ये फोर्स रस्सी लगा रही है। तो यहां पे टेंशन 100 न्यूटन है, और ये टेंशन किसकी वजह से पैदा हुई है? इस फोर्स की वजह से। ये वाली फोर्स रस्सी के थ्रू इस पॉइंट पर लग रही है, और ये वाली फोर्स रस्सी के थ्रू इस पॉइंट पर लग रही है। इस पॉइंट पर भी टेंशन किधर को? इधर को, सुन रहे हो? इस पॉइंट पर किधर को? इधर को, इधर को, बिल्कुल मिड पे टेंशन जो है ना उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, बल्ब की रोशनी तमाम सिफ्टों में, और नेट इफेक्ट 0 आ रहा होता है, और रस्सी मेरा टूटती भी कहां था? सेंटर से टूटती है। नहीं कौन आ गई है? समझ आ गई है? समझ आ गई, आ गई, शुक्र, समझ आई और जब भी, अच्छा आप अपने बाप बताओ, जब आपने नेट फोर्स कैलकुलेट करनी होती है तो पहले एक पॉइंट सेलेक्ट करें। क्या सेलेक्ट करें? हमेशा एक पॉइंट सेलेक्ट करें। नेट फोर्स किसी पॉइंट पे कैलकुलेट होती है, नेट फोर्स किसी बॉडी पे कैलकुलेट होती है। अब आप कहाँ नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं? मैंने कहा रस्सी के एक सिरे पे
100 न्यूटन की फोर्स, दूसरे सिरे पे, तो रस्सी में टेंशन कितनी होगी, रस्सी कितनी फोर्स लगाएगी, इधर से भी 100 उधर से भी 100, दोनों सिरों पे 100 है ना, तो रस्सी में एडअप होगा 200 न्यूटन की वो टेंशन लगाएगी, नहीं समझ आया, इधर से इधर को कितनी फोर्स लग रही है 100 न्यूटन, इधर से इधर को कितने की, तो बेटा रस्सी में टेंशन 100 न्यूटन की होगी। अब एक सिरे पे अगर मैं लगा दूं 5 न्यूटन की फोर्स और दूसरे से पे लगा दूं 10 न्यूटन की फोर्स, तो 10 न्यूटन की फोर्स रस्सी के जरिए से 5 न्यूटन की फोर्स का करेगी तुम मुकाबला, करेगी ना, और जो बाकी 5 न्यूटन की बचेगी वो रस्सी को इधर को मूव करवा दी, तो रस्सी में जो टेंशन होगी वो 5 न्यूटन की होगी भाजी, छोटी फोर्स के बराबर होगी। तो याद रखिएगा, जब दोनों सिरों पर बराबर फोर्स होगी तो फिर रस्सी में टेंशन किसी एक फोर्स के बराबर, ठीक है, और जब एक सिरे पे बड़ी फोर्स है दूसरे सिरे पे छोटी फोर्स है तो रस्सी मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकती है, छोटी फोर्स के बराबर फोर्स लगा सकती है। प्रॉब्लम कीजिए, अब इसको ब्रेन में रखोगे काम आएगा, वरना मुझे पता है मैं जब न्यूमेरिकल पूछूंगा ना तो वहां जाके सारों ने कहना सर क्या क्या कहा, समझ आया नहीं आया, बात क्लियर हुई है ना, चलो शुक्रिया, ये मुझे आया और गया कुछ मशकूक लग रहा है। सर जनाब कल घर से 5-5 दफा ये रूल्स आप करके लाए, बहुत फायदा होगा और अफाका होगा। अच्छा ये बताएं, वर्टिकल मोशन के लिए टेंशन टी की क्या वैल्यू होती है, वर्टिकल मोशन आप जी एक्सेलरेशन क्या था, m1 - m2, m1 नीचे जाता है m2 उसको रोकता है, ऐसा क्या ना, तो इसलिए ये माइनस ले रहे हैं। टेंशन किसके बराबर होगी, 2 times m1 डिवाइडेड और हॉरिजॉन्टल, एक मास हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है और दूसरा वर्टिकल, एक्सेलरेशन m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस, और टेंशन किसके बराबर होगी, m1 टाइम्स m2g डिवाइडेड बाय, टेंशन के लिए दोनों मैसेज का होना, और अगर एक सिरे पे फोर्स ही नहीं लग रही, अब बात समझे हो, अगर दूसरे सिरे पे फोर्स ही जीरो हो, एक बंदा यहाँ पे 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और यहाँ पे 0 न्यूटन की फोर्स है, रस्सी में टेंशन कितनी होगी, होगी नहीं, और रस्सी वैसे पीछे मूव कर रही है उसमें कोई टेंशन होगी, कोई तनाव होगा, खिंचाव होगा नहीं, 0 न्यूटन की टेंशन होगी। इसलिए रस्सी में कितनी टेंशन है डिसाइड करने के लिए ये देखना कि कौन सी फोर्स छोटी है, अगर दोनों बराबर है तो फिर किसी एक फोर्स के बराबर टेंशन। क्लियर हो गया, इसको ब्रेन में रखिए। 2 मैसेज हैं जी, 4 kg और 6 kg के, आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, सुन रहे हो जी, सच दैट मास 6 kg इज मूविंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो 6 kg को क्या क्या दोगे, m2, मैंने पहले क्या केस सेंसिटिव था, जो टेबल पे होगा वो m2 होगा और जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा वो m1 होगा, तो 6 kg क्या हो गया, डाटा लिख दूं यहां पे, तो लिहाजा भाई हमारा जो m2 है वो 6 kg है, ठीक है, ओवर ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड मास 4 kg इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो m1 जो आ गया। अब बेटा फार्मूला में आपका जी भी था या नहीं था, वो क्या कितना होता, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब आपसे एक्सेलरेशन स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करना आपने। अब हॉरिजॉन्टल केस के लिए भी आपको फार्मूला पता है, क्या होता है सॉल्यूशन, एक्सेलरेशन बराबर होता है m1, अभी लिख दिया, क्लियर हो गया, m1 की वैल्यू क्या है, 4 × 10 डिवाइडेड बाय 6 + 4, ये नीचे भी 10 आ गया ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन बराबर आ जाएगी किसके, m1 m2 जी, m1 की वैल्यू कितनी है, 4 + 6 = 10 10 हो गया, ये भी 10 है, 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, और 24 न्यूटन, क्लियर हो गया, आसान है ना न्यूमेरिकल, बस ये याद रखना किसको m1 लेना किसको m2 लेना, अदरवाइज आगे कुछ भी नहीं।
का फार्मूला आना चाहिए। बस एक ही मेरी गल है। तो टू मैसेज है 2.5 और 4.8 के जी अटैच टू दैट आप एन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासिस ओवर इट। Find the acceleration in the system and the tension in the string when the both vertical. तो वही पहला केस आ गया। अब बड़ा मैस कौन सा है? ये M1 है। और छोटा कौन सा है? M2। सपोज हाँ जी बच्चे, अगर आपने ये सवाल मुझसे किया जिसमें ना भूल गई, तो मैंने आपको बताया था सपोजिशन वर्टिकल मोशन में सब पोजीशन होती है कि हम मन बड़ा होता है, हम टू छोटा। इस वजह से क्योंकि मैंने प्रूफ समझ के किया हूँ। जब आप समझ के करेंगे तो फिर आपको पता होगा, जब मैंने मेडिकल करना ना तो मैंने एम वन बढ़ा लेना और एम टू छोटा लेना। एम वन क्या 5.2 के जी, 4.8 नहीं, सॉरी मैं गलत कह रहा था, 5.2 के जी बड़े वाला, ये छोटा, ये एम टू, ये एम वन कर लोगे? वही ले लिया, जी की वैल्यू लिख लेते हो ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये 5.24 माइनस 4.8 कर लिया, तो कैलकुलेशन करके 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। टेंशन में आप 2 टाइम्स m1 m2 g डिवाइडेड बाय वैल्यूज पुट करें, मल्टीप्लिकेशन करें, आंसर 15 न्यूटन। और ये आपके बुक में उन्होंने दूसरा प्रूफ दिया आपको, और उसकी दूसरी एग्जांपल मैं आपको करवा दूं। क्लियर हो गया? फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स का क्या ताल्लुक है मोमेंटम के साथ? सो पहले बच्चों, ये जो रिलेशन है फोर्स और मोमेंटम का, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।